ना उनको खाने का तरीका, ना रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, ना बोलने का तरीका। और जो अगर वो केले खा रहे हैं तो 4 दिन केले पे निकाल लेंगे। सबसे गई गुजरी बात तो ये होती थी कि जैसे बाथरूम है, बाथरूम बहुत गंदा होता था, तो बाथरूम को ही है ना जगह बना लेते थे और वहीं पे 4 लोग अंदर घुस जाते थे और 4 लोग है ना वो अपना पूरा 4 दिन उसी में निकाल लेते थे। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपका इकलौता सनत यादव आज फिर आ गया हूँ एक वीडियो के साथ। तो आज का है ना हमारा टॉपिक है ना, देश की पॉपुलेशन है ना जितनी बढ़ते जा रही है ना, तो उसके हिसाब से है ना हमारे व्यवसाय के थोड़े क्या बोलना चाहिए उनको, व्यवसाय करने के तरीके और व्यवसाय बहुत कम होते जा रहे है ना। तो हाँ, मतलब लोग क्या करते हैं ना, लोग है ना मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल करते हैं। जैसे कोई यूपी से महाराष्ट्र आ गया, कोई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तमिलनाडु, ये हर जगह मतलब शहर जाया करते। और जो भी जो कि है ना ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके जो शहर है, आपका जो गांव है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो आप ऑब्वियस ही बात है आपके परिवार पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आपको वो गाँव छोड़ना ही पड़ता है, ये शहर छोड़ना पड़ता है, और जो संपन्न है वहाँ पर जाना पड़ता है। और इसमें कोई है ना गलत बात भी नहीं है, आप जा सकते हो। ऐसे ही है ना एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको कि बचपन से है ना हमारी मेंटेलिटी बनी हुई थी कि जो भी मतलब यूपी बिहार, आप लोगों को भी पता है यूपी और बिहार और झारखंड से जो ट्रेन आती है वो मतलब कितनी गंदी आती है, क्योंकि वो ट्रेन को है ना आने में 3-4 दिन लग जाते हैं। अगर वो ट्रेन ट्रैवल कर रही है कोई एक पर्टिकुलर बिहार के कोई गांव से या शहर से या यूपी के कोई बड़े गांव से शहर से, तो है ना मैक्सिमम उसको 3 से 4 दिन तो आराम से लग ही जाते हैं ट्रेन को उसकी डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो ऐसे ही है ना हमारे यहाँ से एक ट्रेन आती थी जो जाती थी एमपी से, मैं खुद मुंबई आया हूँ 3 साल पहले काम के सिलसिले में। जब भी हम लोग है ना मतलब हमको कहीं बाहर जाना पड़ता था, जैसे कभी मामा के घर चले गए, कभी जैसे भोपाल इंदौर कहीं घूमने चले गए, तो है ना हम लोग है ना ट्रैवल के लिए है ना हमेशा जो ट्रेन है ना यूपी बिहार से आती थी ना हम उसमें ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी मेंटेलिटी बनी थी कि भाई जो भी लोग आएंगे वो बड़े गंदे रहेंगे उसमें, ना उनको खाने का तरीका, ना रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, ना बोलने का तरीका। वो लोग ऐसे रहते थे कि वो 4-4 दिन एक ही जगह पर बैठे बैठे निकाल लेंगे, और जो अगर वो केले खा रहे हैं तो 4 दिन केले पे निकाल लेंगे, मुरमुरा, लाई, बताशा, जो भी खा रहे हैं वो ऐसा निकाल लेंगे। मैं ऐसा उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं आपको उसको बताऊँगा आगे। तो क्या होता है ना कि हम लोग अक्सर है ना उनको गलत समझते थे, तो हमारी मन में मेंटेलिटी यही बनी हुई थी कि भाई ये लोग जो गाड़ी से आते हैं वो गाड़ी में तो जाना नहीं, क्योंकि उसमें पहले नंबर पर रहती है भीड़ और दूसरे नंबर पर रहती है गंदगी। वो ऐसे लोग रहते थे कि मतलब अगर वो जो सीट रहती थी, सीट के अगर नीचे सो रहा है बंदा तो सीट के नीचे भी सो जाता था, वो कपड़ा बांध के बच्चों को सुला देते थे, खुद भी सो जाते थे, एक छोर से दूसरे छोर में ऐसा कपड़ा बांध देते थे उसमें सो जाते थे, खाने को जो मिल गया वो खा लेते थे, नखरे नहीं करते थे, वड़ा पाव तो बोले वड़ा पाव खा लेंगे। सबसे गई गुजरी बात तो ये होती थी कि जैसे बाथरूम है, बाथरूम बहुत गंदा होता था, तो बाथरूम को ही है ना जगह बना लेते थे और वहीं पे 4 लोग अंदर घुस जाते थे और 4 लोग है ना वो अपना पूरा 4 दिन उसी में निकाल लेते थे। तो ये थोड़ा है ना हमारे को अंदर से एकदम बहुत गलत लगता था कि भाई ये ट्रेन से तो जाना ही नहीं है। और अब इस बात में ना मतलब मैं अपने आप में ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं ना कन्फेस भी करना चाहता हूँ, आई नीड टू कन्फेस, क्योंकि मैंने उनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया। आई नीड टू कन्फेस क्योंकि मैंने उनके खाने का तरीका, उनके बैठने पहनने ओढ़ने का तरीके पे मजाक उड़ाया। मतलब हमारी मेंटेलिटी ये बनी हुई थी, मजाक नहीं उड़ाया लेकिन मतलब उनके तरीकों को सही नहीं समझा, इसलिए हम उस प्रीफर ही नहीं करें कि कभी वो ट्रेन से भी आया जाया करे। ज़रूरत पड़ती तो जाना भी पड़ता था, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहे तो फिर क्या, लेकिन जाते थे तो ये एक्सपीरियंस होते थे। फिर मतलब आई नीड टू कन्फेस बिकॉज मतलब हमने उनके खाने पे, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो कहीं पे भी सो जा रहे हैं, इस पे मजाक उड़ाया, उस पे टिप्पणी करी और गलत तरीके से बोला। मैं खुद यादव हूँ,
तो हमारे को है ना ऐसा इन जनरल कोई जैसे अब जैसे मुंबई का क्या सीन है ना, अगर तुम यादव हो तो तुमको है ना लोग भैया समझेंगे, मतलब बोलेंगे भैया है, भैया वहाँ का पता नहीं क्या स्लैंग बना हुआ है, लेकिन है ना तो हमको है ना उसमें चिड़ मचती थी। ऐसे ही अगर हम लोग अगर सोचे ना तो मतलब अब जो बात बदली है, अब जो बात मतलब एक ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ समझ में आई है, आज मेरे को 3 साल हो गए मुंबई आए हुए, लेकिन आज भी है ना जैसे जब IPL चालू हुआ, हमारा IPL चालू हुआ तो जो कमेंट्री होती है तो भाई वो भोजपुरी लैंग्वेज है ना सुनने में इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि यार वो एक हमारे पौराणिक जो वो बातें जो टोन वो बोलने का तरीका वो ऐसा वैदिक पौराणिक लगता है, मतलब वो एक रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है वो लैंग्वेज अब सुनने में। जब रवि किशन जी एक बार कमेंट्री कर रहे थे अभी पिछले मैच में करी थी उन लोगों ने, तो वो इतना अच्छे तरीके से लग रही थी, सुनने में मज़ा आ रहा था। नहीं तो वही अगर हम पहले सुनते थे तो ऐसा मजाक उड़ा देते थे वो लैंग्वेज का, और जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैं कन्फेस इसके लिए भी करना चाहूँगा कि भाई आप मजाक नहीं उड़ा सकते कोई भी चीज़ का। और जब अगर आप काम हम भी करते हैं मुंबई में और ये जो UP बिहार से आए हुए पब्लिक है वो भी करती है, लेकिन है ना आप उनका तरीका देखो काम करने का, वो कोई भी चीज़ें ना स्माइल से डिलीवर करते और कोई भी कैसा भी गंदे से गंदा भी काम हो तो वो उसको कर देते कि भाई हाँ हम कर लेंगे और स्माइल के साथ करते। ये बहुत अच्छी चीज़ है उनसे सीखने की कि वो कैसे भी परिस्थिति में आते हैं बेचारे, कैसे भी आते हैं, लेकिन उनका है ना मतलब उनको सफ़र से ज़्यादा है ना उनको उनकी मंजिल की वो रहती है चिंता, कद्र, इज्जत, कि भाई अभी हम कैसे भी चल लें, अभी हम कुछ भी कर लें। इसीलिए लोग बहुत सारे इनमें से ये जो है वो यहाँ पे आके बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो चीज़ें ना अब समझ में आती है। तो आई रियली नीड टू कन्फेस, और ये वीडियो बनाने का मतलब यही था, और मैं तहे दिल से उन्हें सॉरी कहता हूँ, और लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि प्लीज़ उन मतलब हम लोग आगे अगर डेवलपमेंट करेगा, मैं खुद अगर अपने करियर में डेवलपमेंट आती है मेरे करियर में तो मैं खुद उनके लिए कुछ ट्रेनों के लिए मैं खुद अपने मन से कुछ करना चाहूँगा, ताकि ना तो उनको बेचारों को ऐसे भीड़ में भटकना पड़े, ना तो उनकी लैंग्वेज की कोई ऐसी मजाक उड़ा है। जो हम लोगों ने बचपन में गलतियाँ करी है वो मैं चाहता हूँ कि आज नहीं हो, और आप लोग भी उनकी इज्जत करो जैसी सब करना चाहिए। और यार एक और चीज़, हम लोग है ना आजकल है ना एक चीज़ें मन में लगा के बैठे रहते हैं कि जो जहाँ का है उसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए। अब जैसे मुंबई के लोग बोलते हैं कि यार ये बाहर के लोग आ जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं कि बाहर के लोग आ जाते हैं तो मतलब है ना हम काम नहीं कर पाते, मतलब हम लोग हमारे लोगों का चांस वो ले जाते हैं। तो यार ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा देखा जाए तो ये हमारा एक भारत है, तो भारत में है ना हमें एकजुटता से रहना चाहिए, यही वर्ड है ना, हाँ, एक साथ एक संगठन बना के रहना चाहिए। हम भारत के लोग हमारे ही लोग का सपोर्ट नहीं करेंगे, नो डाउट आपको रीजन का सपोर्ट करना चाहिए, आपके लोग आपकी जन्मभूमि में आप काम करो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ना जो बाहर से आए हैं ना उनकी भी इज्जत करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि मैं MP छोड़ के मुंबई आके बस गया हूँ तो मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर जैसे MP में अगर कोई काम करने आता है तो हमको भी उसको उतनी इज्जत देना चाहिए जो मुंबई के लोग हम लोगों को देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।